फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज हम तीन ऐसे हीरे कंपनियां डायमंड स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं ना कि इसके अंदर ना पैसा डेफिनेटली बनेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, कोई रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, स्टडी पर्पज के तौर पर इन कंपनीज को आप स्टॉक्स को आप रडार ऐप पर लेकर चल सकते हो। तो कौन सी हैं, किनके बारे में बात कर रही हूँ? मैं आज बात करने वाली हूँ मेडिकल सेक्टर की तीन ऐसे हॉस्पिटल्स जो आप लोगों का पोर्टफोलियो में ग्रोथ देंगे ही देंगे, ठीक है। और इनमें इनकी शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदी का दौर नहीं आता, हर किसी में तो वॉलेटिलिटी हर जगह पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है, फार्मा सेक्टर जो हमारा है और मेडिकल सेक्टर में हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स सुनने को मिलते हैं। फार्मा सेक्टर्स में भी हम फार्मेसी कंपनी बहुत सारी देखते हैं, ठीक है। केमिकल सेक्टर्स की भी कंपनीज बहुत सारी हमारी नज़र में आती हैं। हॉस्पिटल्स के बारे में मैंने कभी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई है और ना ही मैंने कभी बताया कि हॉस्पिटल्स पे आप कौन से हॉस्पिटल्स वाली स्टॉक को आप फोकस पर रख सकते हो, जिसके अंदर पैसा लगा सकते हो, अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पर पूरा बने रहें एंड एंड तक वॉच करें। फर्स्ट टाइम आई हो तो लाइक्स पर करना मत भूलेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, जो जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फिलहाल तो गाइस, कोई भी आपसे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि फोर्सफुली मैं आपको कह रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहें, ओके। आप देखिए, जिस हॉस्पिटल की बात करने जा रही हूँ तो सबसे पहले इस हॉस्पिटल का नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स में फिलहाल तो आज के दिन हमें 0.61% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखोगे ये आया कब था, इसका आईपीओ नोट करिएगा, इसका आईपीओ 1999 में आया था और तब से लेकर अब तक इसने 53,000% तक का रिटर्न दिया है। 12.73 रुपये पे आया था। पिछले 5 साल से कंपनी ने 350% तक का रिटर्न दिया और सबसे बड़ी बात ये अभी लास्ट कैप बनने वाला है। 98,000 करोड़ पे देखने को मिल रहा है हमें इसका मार्केट कैप। गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए 5 साल में इसने 350% तक का रिटर्न दिया और अभी ये लास्ट कैप बनने ही वाली है। 6 मंथ में अगर आप देखोगे तो 13% तक चढ़ा है और साल भर में अगर आप नोट करोगे, देखिए साल भर में बस 18% तक का रिटर्न दिया मात्र। और अगर एक साल में देखोगे तो हमें कम से कम नियर 41% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर कोई एक साल के लिए जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न गैस उसका बना होगा। फिलहाल तो 52 वीक हाई 6,999 देखने को मिलता है। इट मीन्स अभी हल्के से गिरावट के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो 4,726 देखने को मिलता है। गैस अपोलो हॉस्पिटल भारत की एक लीडिंग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। ये हॉस्पिटल चैन मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गए एंड आप देखेंगे न्यूरोलॉजी हो गया और एमरजेंसी मतलब कि एमरजेंसी केयर जैसे एरिया कवर करते हैं। गैस अपोलो हॉस्पिटल अपने एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी पेशेंट्स केयर के लिए जाना जाता है। ये मेडिकल एजुकेशन रिसर्च और टेली मेडिसिन सर्विसेज में भी इंगेज्ड है। 1983 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। आप इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करके चल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इंडस्ट्री भी 55 है, स्टॉक भी 95 है। इट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर प्लस परसेंटेज भी देखने को मिलती है जो कि 16% है। मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर की बात की जाए तो अपोलो हॉस्पिटल का फ्यूचर काफ़ी प्रोमिसिंग है, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल डिसीजेज का इंक्रीज होना और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे आयुष्मान भारत से प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फायदा होगा। अपोलो हॉस्पिटल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के इंटीग्रेशन से अपने मार्केट शेयर को और बढ़ा सकती है। फिलहाल तो गाइस फ्यूचर ब्राइट है। देखिए आपको पता है, लोग जो होते हैं ना, अगर आप कह लो आप हो गए, हम हो गए, कोई भी हो गया, हमें क्या होता है जब हम बीमार पड़ते तो हमें एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो हम तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम प्राइवेट हॉस्पिटल को ही ढूंढते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम उन हॉस्पिटल में जाते हैं जो बेस्ट होता है। किसी को डिसीज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो उसी हॉस्पिटल में जाएगा जो उसके आसपास होगा और दूसरा वो बेस्ट होगा।
तो इसलिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इन सेक्टर्स में आपको, इस कंपनी में आपको, इस हॉस्पिटल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप इसमें इन्वेस्टर की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 29.33% है, जिसके अंदर एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा थी, 52% तक पहुंच गई थी, लेकिन जो कि ट्रिमो का 43.92% देखने को मिलती है। हाँ, साल भर में आप ये कह सकते हो थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिम हुआ है। डीआई ने माल खरीद लिया है, 21% तक बढ़ा ली अपनी हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी का इसके अंदर एज इट इज की एज इट इज बनी हुई है, पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें कम देखने को मिली है, बट अभी जून क्वार्टर में इसमें थोड़ी सी बढ़ी है। देखिए गाइस, अगर आप देखोगे ना बैलेंस शीट के तौर पे, तो इसका 6,000 करोड़ का रिजर्व है, तो वही 53,000 सॉरी वही 5,300 करोड़ का इसका बोरिंग देखने को मिलता है। मेन मुद्दा प्रॉफिट एंड लॉस पे खड़ा हो जाता है कि ये कंपनी रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, हॉस्पिटल कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। 37 होता सीधा 19,000 करोड़ में पहुंचा है इसका रिवेन्यू, बहुत बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस हॉस्पिटल की। नेट प्रॉफिट 303 से सीधा 935 करोड़ में पहुंचा। गाइस, यही चीज तो हम देखते हैं मोस्टली, फंडामेंटल्स में क्या देखना होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रिजर्व्स, इन्वेस्टर्स होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पे इसका सेल्स पहुंचा। वहीं आगे इसके अगर आप इसमें ये देखोगे ना कि नेट प्रॉफिट इसका 173 करोड़ से सीधा 316 करोड़ पे पहुंचा, बहुत शानदार क्वार्टरली नंबर भी निकल के आए हैं इसके। रिसेंट न्यूज में अपोलो हॉस्पिटल ने अपने डिजिटल हेल्थ केयर इनिशिएटिव को एक्सपेंड किया है, जिसमें टेली मेडिसिन और रिमोट पेशेंट्स मॉनिटरिंग जैसे सर्विसेज शामिल है। कंपनी ने इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी किए हैं ताकि ग्लोबल हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा सके एंड अपने स्टैंडर्ड्स को अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अपोलो हेल्थ केयर आपके लिए लगा लगा पे रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर की अगर बात करूँ तो आज के दिन इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी कि हॉस्पिटल सेक्टर्स के जितने भी, मतलब मैं आपके कहूँगी जो हेल्थ केयर सेक्टर से जितने भी हॉस्पिटल्स है उसमें कहीं ना कहीं आज के दिन डिप देखने को मिला है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ। फिलहाल तो इसका 52 वीक हाई 979 है और ये अभी आपको डिस्काउंट लेवल मिल रही है। मैक्सिमम देखा जा रहा है 2020 में आई थी, इसका IPO लिस्टेड हुआ था, तब से लेकर अब तक इसने बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न दिए हैं, 700% तक के नियर अबाउट। आप ये देख रहे हो 2020 से लेकर अब तक इसने, मतलब लाइक 2020 में अगस्त में आई थी और अगस्त में इसको 21 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल में ये इतने नंबर्स दे रही है, इतने रिटर्न दे रही है, साल भर में 26%, 1 साल के अंदर आप देखोगे 51%, 6 महीने में आप देखोगे 16% का रिटर्न, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गाइस, अब इसकी सेक्टर्स के बारे में भी सुन लें। देखिए, हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर भी एक मेजर प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑपरेट करती है और कार्डियोलॉजी, ऑनकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेनल साइंस और ट्रांसप्लांट सर्जरीज में स्पेशलाइज है। गाइस, मैक्स हेल्थ केयर ने अपने पेशेंट्स केयर स्टैंडर्ड्स को एनहेंस किया है एंड करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने पर भी फोकस करती है। अगर आप देखोगे इसका इंडस्ट्री भी 35 है, स्टॉक भी 88 में काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन भी ट्रेड कर रहा है और उसका कुछ भी प्लस नहीं है, बहुत बढ़िया है। ROC ROE ठीक है। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ठीक है, यहाँ हल्की सी ट्रिम हुई है लेकिन 60 से बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। FI की होल्डिंग हल्की सी ट्रिम हुई है, जो कि 60 थी, 559 थी, फिर 60 हुई, फिर 60.69% हुई और अब 56.99% देखने। GIS की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी शानदार देखने को मिली, 15% तक बढ़ी। पब्लिक की होल्डिंग 3.91% तक है। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में ना बहुत कम पब्लिक इन्वेस्ट करती है क्योंकि एक तो शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ना, तो वो नहीं इतना अफोर्ड कर पाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ उसके फ्यूचर्स के बारे में। देखिए, इसका फ्यूचर, मैक्स हेल्थ केयर का फ्यूचर भी ब्राइट है क्योंकि कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए एक्टिव है। हेल्थ केयर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर गवर्नमेंट के फोकस के चलते मैक्स हेल्थ केयर के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव होगा और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात है गाइस। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे ना तो इसके रिजल्ट 7,000 करोड़ के देखने को मिले, जिसमें इसकी बोरिंग बहुत कम है, 1,200 करोड़ की।
एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप जाओगे तो देखोगे, देखिए 1600 से 5400 पे पहुंचा है इसका रेवेन्यू, और नेट प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया शानदार यार, 16 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ पे पहुंचा। बहुत बढ़िया शानदार नंबर्स इसके देखने को मिलते हैं। एंड गाइस पता है लेटेस्ट न्यूज़ अगर मैं इसके बारे में बताऊँ ना, तो मैक्स हेल्थ केयर ने ना अपने एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी के अंदर नए हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए हैं। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी को भी एनहेंस कर रही है, जिससे बिस्तरा बिस्तरा जिसको बोलते हैं बेड, एंड डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज और एआई बेस्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को इंटीग्रेटेड करने पर भी काम चल रहा है। बहुत बढ़िया शानदार है गाइस, मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको डेवलपर पर लेकर चल सकते हो। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। फोर्टिस हेल्थ केयर में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, और उल्टा आपको मैं बता दूँ कि 32% तक का स्टेक सब्सिडी का प्लान इसमें देखने को मिल रहा है, बाय करने का 32% तक का स्टेक इन सब्सिडी, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो उसमें आज के दिन थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि फोर्टिस हेल्थ केयर शेयर प्राइस जूम कम से कम 2.52% टू हिट 52-week हाई 565 पे पहुँचा कल के दिन मंडे को इंटरडे डील्स के अंदर, ठीक है। एंड इसमें स्टेक परसेंट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन द मटेरियल होली ओन सब्सिडरी एग्लूस डायग्नोस्टिक फॉर्मली नॉन एज SRL डायग्नोस्टिक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। द कंपनी विल फंड दिस एक्विजिशन बाय द इश्यूएंस ऑफ NCDC सेट, मतलब हेल्थ केयर स्टॉक्स में अब देखिए हेल्थ केयर कंपनी सेड दैट इट विल बाय द एंटायर 32% स्टेक हेल्ड बाय द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, किसके द्वारा, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के द्वारा 31% स्टेक कहाँ बाय करेगा सर डायग्नोस्टिक के अंदर। राइज हुआ था ये पिछले 5 दिन के अंदर, आप देखोगे इसमें तेजी आई थी, देन आज के दिन हल्की फुल्की सी गिरावट दिखती थी इसको ऑल द प्रॉफिट बुकिंग इट अस। गाइस फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा आपको एक न्यूज़ भी देखने को मिला था, खबरों में काफ़ी रहा था ये हॉस्पिटल, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, कोर्ट तक भी गई थी इसके लेकर बात, लेकिन हाँ फिर से अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मूव इसमें देखने को मिल रहा है। गाइस मैं बता दूँ कि ये आया था 2007 में, और बहुत ठीक है काफ़ी टाइम तक एक जोन में देखने को मिला 2011 से लेकर, देखो उसमें ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है, 2011 से में 90 था, फिर सीधा 70% चला, फिर उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली 20% तक की 2015 से लेकर 2020 तक, मतलब 5 साल तक। उसके बाद 2020 के बाद गाइस आप ये कह सकते हो कोरोना के बाद आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर में एक अलग ही बूस्ट देखने को मिला, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से ये भाग गए लगभग 308% तक, ठीक है। एंड पिछले 5 साल में देखो 342% तक का रिटर्न, साल भर में 69%, एक साल में साल भर में 27% का, 6 महीने में देखो 45% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो 1996 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर भी भारत की एक मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है जो मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फोर्टिस हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, ऑनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट सर्विसेज में स्पेशलाइज है। फोर्टिस हेल्थ केयर पेशेंट्स सेंट्रिक अप्रोच और एडवांस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। फोर्टिस हेल्थ केयर का फ्यूचर भी प्रोमिसिंग है क्योंकि भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। कंपनी अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाने पर फोकस कर रही है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर का इन्वेस्टमेंट और मतलब एक्विजिशन स्ट्रेटजी भी स्ट्रांग है जिससे ये अपनी मार्केट पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सकती है। मैं आपको बता दूँ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, फिलहाल तो आप थोड़ा सा नज़र डालिए कि स्टॉक भी 66, इंडस्ट्री भी 58 ओवर वैल्यूड, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स के आपको स्टॉक देखने को मिल रहे हैं वो ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं। ROC ROE भी ठीक ठीक है इसके अंदर। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात की जाए जो कि लगभग 2021 से सेम बनी हुई है प्रमोटर की होल्डिंग, FIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था जून 2023 में, अब एक साल बाद देर ट्रिम कर दिया, कम से कम लगभग 7% 7.5% तक के अराउंड कम कर दिया, 7% तक के अराउंड 6.5 समथिंग कह लो आप। एंड DIs की होल्डिंग आप देखोगे बड़ी है, 32% पहुंची, पब्लिक की जो होल्डिंग है ट्रिम हुई है, ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने अपने कुछ हॉस्पिटल्स में सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स किए हैं और बेड कैपेसिटी को बढ़ाया है। कंपनी ने कुछ की एक्विजिशंस भी किए हैं जिससे उनका रीच और कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। फोर्टिस डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और टेलीमेडिसिन की एडॉप्शन में भी एग्रेसिव है। गाइस अगर आप बैलेंस शीट पे अगर आप देखोगे तो लगभग 6000 करोड़ का इसका देखने को मिलता है रिजर्व, जो कि बोरिंग बहुत कम है, 1100 करोड़ का बोरिंग है।
प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, 3,000 से सीधा 69 पे कम से कम पहुंचा है इसका रिवेन्यू, और 528 से अब सीधा 645 से पहुंचा इसका प्रॉफिट। हाँ 2022 से हल्का सा कम है लेकिन बड़ा है, अब धीरे धीरे अच्छा खासा इसमें देखने को मिला है इम्प्रूवमेंट। क्वार्टरली नंबर ये देती है जिसके अंदर इसके रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली एनुअली और क्वार्टरली भी। 1600 से सीधा 1800 पे पहुंचा इसका रिवेन्यू, 124 से 174 पे पहुंचा इसका नेट प्रॉफिट, बहुत बढ़िया बहुत शानदार देखने को मिला। तो मतलब फोर्टिस के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के दिन। गाइस एक चीज़ बताऊँ, मैं कंक्लूजन बताऊँ, देखिए इन तीनों हॉस्पिटल्स अपोलो मैक्स और फोर्टिस का फोकस हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करने पर है और इनका फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड है हेल्थ केयर सेक्टर के रेगुलेटरी रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और पेशेंट्स केयर सर्विसेज में इंप्रूवमेंट के चलते ये कंपनीज अपने मार्केट शेयर को और स्ट्रेंथन कर सकती है। लेटेस्ट न्यूज पे ध्यान दें, इन सभी कंपनीज ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के और डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को इंटीग्रेटेड करने की इनिशिएटिव भी किया है जो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को और भी प्रोमिसिंग बनाता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर चलना है, मतलब बता दूँ आप लोगों को। गाइज की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलो, और चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना मत भूलो। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।